नेक्स्ट है मेरे पास मेथड सॉल्विंग इक्वेशंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू प्रोडक्ट। मुझे सम में देके रखा है, मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या हम इन सभी फॉर्मूलों को देखेंगे? तो क्या ये देख चुके हैं, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, एक इस फॉर्मूले की मदद लगा सकते हैं अपन। साइन सी माइनस साइन डी टू साइन सी माइनस डी बाय टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, ये भी फॉर्मूला हम देख चुके हैं। फिर हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला देखेंगे, तो होता है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस वाला चैप्टर जो होता है उसके बेसिक फॉर्मूले हैं। फिर कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। सो ये बेसिक मेरे पास चार फॉर्मूले हैं और इनका मेरे को यूज करना है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मेरे पास है कॉस थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन फोर एक्स इक्वल टू जीरो। सो मैंने बोला कि यार इसको कॉस थ्री एक्स को एज इट इज रखते हैं, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्म लगा देते हैं, दैट विल गिव मी टू साइन सी माइनस डी बाय टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाय टू इक्वल टू जीरो। तो इससे मेरे पास आएगा cos 3x प्लस 2 sin माइनस x इंटू कॉस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ दोनों जगह पे cos 3x को मैं कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा 1 माइनस टू sin x इक्वल टू जीरो। तो इससे एक तो हो गया मेरे पास cos 3x इक्वल टू जीरो और एक हो गया मेरे पास sin x इक्वल टू 1 बाय टू। तो cos 3x 0 हो गया तो 3x जो हो जाएगा, cos थीटा 0 कब होता है? बिल्कुल सही बात है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर होता है। तो 3x की वैल्यू जो होगी मेरे पास वो क्या हो जाएगी, 2n माइनस 1 पाई बाय 2। तो इससे मेरे पास x आ जाएगा 2n माइनस 1 पाई बाय 6। एक सॉल्यूशन सेट यहाँ से आ गया, दूसरा सॉल्यूशन सेट में यहाँ से निकाल सकता हूँ साइन एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू। सो इसमें मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाय सिक्स। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एम पाई प्लस माइनस वन की पावर एम इंटू अल्फा, यहाँ अल्फा है पाई बाय सिक्स। ये हो गया सॉल्यूशन सेट टू। हमको पता है कि जो फाइनल आंसर है वो वन और टू का यूनियन है। चलिए तो हमने क्या करा, हमने यहां पर साइन सी माइनस साइन डी वाली जो प्रॉपर्टी पड़ी थी उसी को यूज करा है। यहाँ एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखो बच्चों, तुम्हारे पास है फाइव साइन एक्स प्लस सी साइन टू एक्स प्लस फाइव साइन थ्री एक्स प्लस साइन फोर एक्स। तो हमने क्या करा, पहले तो जोड़ी बना ली, यार इन दोनों का कोफिशियंट सेम दिख रहा है सर, इन दोनों को पहले ले लेते हैं, बाकी का भी समझ लेंगे। तो फाइव यहाँ पर कॉमन निकाल लिया मैंने, मेरे पास बचेगा साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। फिर मैंने सिक्स साइन टू एक्स को अलग लिख लिया और साइन फोर एक्स को अभी अलग लिख लिया। अब इन दोनों में मैंने साइन सी प्लस साइन डी की प्रॉपर्टी लगा दी, विच इज टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू प्लस, अब ये हो गया सिक्स साइन टू एक्स। अब यहां पर देखो, ये हमारा टर्म साइन टू एक्स वाला है, यहां भी साइन टू एक्स है। यहां पे कोई तरीका है क्या कि मैं साइन फोर एक्स को साइन टू एक्स के टर्म्स में लिख दूं? क्यों लिखना चाहता हूं, क्योंकि साइन टू एक्स साइन टू एक्स साइन टू एक्स कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैंने बोला हाँ एक तरीका है, साइन टू थीटा वाली आइडेंटिटी होती है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहां थीटा में अगर टू एक्स मान लूंगा तो साइन फोर एक्स हो जाएगा साइन टू इंटू टू एक्स, दैट इज टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स। अब सभी टर्म्स में से मैंने क्या करा, साइन टू एक्स को कॉमन निकाल लिया, टू को भी कॉमन निकाल लिया, बचेगा मेरे पास कितना, फाइव कॉस एक्स प्लस सिक्स प्लस कॉस, ओ प्लस सिक्स भी नहीं बचेगा, सिक्स बाय टू दैट इज थ्री बचेगा, क्योंकि टू कॉमन निकाल लिया ना हमने। तो अब हमारे पास इतना बचा, अब इक्वल टू जीरो है, तो एक तो मेरे पास ये आ गया। अंदर क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रेटिक बना देते हैं। क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक ऐसे बनाएंगे कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये लगा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा
2 sin 2x ब्रैकेट में 5 cos x प्लस 3 plus 2 cos² x -1 = 0। अब इसको सिंप्लीफाइड देखें तो हमारे पास आएगा 2 sin 2x क्वाड्रेटिक जो बन रही थी, तो 2 cos² x ये 2 cos² x ये तो 2 बचेगा और प्लस 5 cos x प्लस 2 = 0। सो 2 sin 2x और इसको देखेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 2 cos² x प्लस 4 cos x प्लस cos x प्लस 2 = 0। सो आपके पास आएगा 2 sin 2x। इन दोनों के अंदर से क्या करेंगे, cos 2x कॉमन निकाल लेंगे और 2 भी कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 cos x कॉमन निकाल लिया तो बचेगा आपके पास बच्चों cos x प्लस 2। यहाँ पर 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो cos x प्लस 2। फ्रॉम दिस cos x प्लस 2, cos x प्लस 2 भी कॉमन आ जाएगा। सो 2 sin 2x ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में cos x प्लस 2 = 0। सो अब यहाँ पर ये 0 हो सकता है, ये 0, अरे ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि cos 2x की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है, तो दिस कैन नॉट बी 0। सो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, वो तो 0 होना नहीं है। तो sin 2x equals to 0 से 2x equals to 2, अरे 2x equals to n pi। सो x हो जाएगा n pi by 2। एक सॉल्यूशन यहाँ आ गया। दूसरा मेरे पास आएगा cos x equals to -1/2। सो दिस विल गिव मी cos x equals to cos pi minus pi by 3, that is 2π/3। और cos x equals to cos alpha के लिए हमारे पास क्या होता है, that is give me cos x equals to cos alpha gives me x equals to 2nπ plus minus alpha। So either this is the solution और this is the solution, तो solution होगा 1 और 2 का union। चलिए बहुत ही बढ़िया है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि factors किस तरह से बनाने हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारे पास जो values है trigonometric functions की वो कहाँ से कहाँ तक lie करती है। जैसे cos x plus 2 0 होना ही नहीं है, गलती से भी उसको 0 मत put कर देना, factors मत बनाने में बैठ जाना उसमें। चलिए ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंसेस। क्या करना है इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर देखे रखे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको सम या डिफरेंस में चेंज करना है। ऑलरेडी कुछ फॉर्मूले हमें बचपन से याद हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इससे जो प्रोडक्ट है वो सम के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, साइन ए प्लस बी, वी ऑलरेडी नो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर हम देखें साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, सो दिस फॉर्मूला इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास cos a sin b कैंसिल हो जाएगा और sin a cos b बच जाएगा दो बार, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो sin a cos b और sin a cos b कैंसिल हो जाएगा और cos a sin b ऐड हो जाएगा, सो वी वुड बी गेटिंग द अदर फॉर्मूला। इसी तरह से मेरे पास एक और आइडेंटिटी थी cos a plus b की, वो देख लेते हैं अपन। cos a plus b is cos a cos b minus of sin a sin b। From this मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि cos of a minus b कितना होगा, वो होगा मेरे पास cos a cos b plus sin a sin b।
सो अब अगर हम देखेंगे इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं, इफ वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस, देन साइन ए साइन बी एंड साइन ए साइन बी विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी विल बी गेटिंग टू कॉस ए कॉस बी एंड टू कॉस ए कॉस बी विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. सिमिलरली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मैं इसे इक्वेशन नंबर वन नाम दे देता हूँ और इसे टू. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन विद द फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा टू साइन ए साइन बी विच विल बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी. चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम. सो हमारे पास क्वेश्चन है साइन 5x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू साइन 6x इंटू कॉस 2x. सबसे पहली स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, पहली स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स. हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो हमारे पास आएगा 2 साइन 5x कॉस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 साइन 6x कॉस ऑफ 2x. अब यहाँ पर फिर से वही आइडेंटिटी हो गई, 2 साइन ए कॉस बी, दोनों जगह पे वही आइडेंटिटी है 2 साइन ए कॉस बी विच वॉज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. फ्रॉम दिस हम इसको यहाँ लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 5x प्लस 3x 8x प्लस साइन 5x माइनस 3x 2x is equals to sin 6x plus 2x हो जाएगा 8x plus sin 6x minus 2x करूंगा मैं तो हो जाएगा 4x. sin 8x और sin 8x cancel हो गया बच्चों. अब हमारे पास क्या बचा, sin 2x equals to sin of 4x बचा. क्या करेंगे यहाँ, sin 2x है, sin 4x को इस साइड ले जाते हैं, माइनस में हो जाएगा. अब साइन 4x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पास आइडेंटिटी है एक साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा. सो मैं थीटा की जगह पे अगर 2x मान लेता हूँ तो मैं साइन 4x को भी चेंज कर सकता हूँ. चलिए उसे कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो हमारे पास है साइन 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0. सो साइन 2x माइनस 2 साइन 2x कॉस 2x इक्वल्स टू 0. अब यहां और यहां साइन 2x है कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस 2 कॉस 2x इक्वल्स टू 0. अब हमारे दो फैक्टर्स हो गए, एक हो गया साइन 2x इक्वल्स टू 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब, n पाई पर. सो 2x इक्वल्स टू n पाई. So x equals to n pi by 2, equation number 1. दूसरे वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो 1 माइनस 2 cos 2x 0 हो जाएगा. सो इससे cos 2x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 by 2 आ जाएगी. इससे cos 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos of pi by 3, क्योंकि cos pi by 3 1 by 2 होता है. अब cos theta equals to cos alpha, बहुत बढ़िया, याद है कि नहीं, याद है, when cos theta is equals to cos alpha then theta is equals to 2n pi plus minus alpha यहाँ लगा देंगे तो 2x equals to 2n pi plus minus pi by 3, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा n pi plus minus pi by 6. So this is my solution set 2, total solution 1 or 2 का union हो जाएगा. तो this is how you will use the properties. चलिए